नवीन कहाँ चली गई बेटा? नवीन, आर यू मी? क्या हो गया बेटा? नवीन, क्या हो गया? छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है तो तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो इतनी डरपोक नहीं थी। बेटा, जो भी असल बात है ना वो हमें बता दो। अभी किरण और नवाल भी घर पे नहीं। अम्मी, यही बात है ना। यही बात है अम्मी, मैं कुछ और क्यों बताऊंगी आपको? और एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना। पूरा रिक्शा उलट गया था। तो तुम रक्षा में आई क्यों थी? तुम दोनों के पास तो गाड़ी है बेटा। वो उसका जो ड्राइवर है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सुबह फिर रक्षा में आई थी, इसलिए हम आ गए। तुमने अपना ड्राइवर वापस क्यों भेजा था बताओ मुझे? तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था ना? तुम मुझे ना शांसे का नंबर दे। क्यों? आपको क्या मुझ पे एतबार नहीं है? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उसकी खैर रहना चाह रही थी नवीन, इसलिए मैं तुमसे ले रही हूँ। मैं आपकी बात करा दूंगी ना, जब भी सही होगा। अभी अभी नहीं, बहुत डिस्टर्ब होगी ना। छोड़ दे उसको, क्या करेंगे बात करके? छोड़े। अच्छा 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 अच्छा, तुम परेशान नहीं हो बेगम साहब? हाँ। वो यावर और उनकी अम्मी आई है। अच्छा, उनसे कहो हम आ रहे हैं, तुम जाओ। आयजा बेटा, तुम टेंशन मत लो, तबीयत खराब हो जाएगी, आराम करो। अभी आप जाए ना। हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, तुम आराम करो। शाबाश, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, जो मुसीबत थी वो टल गई है।